जिस तरीके से नाना पटोले ने एक जो बयान दिया कि वो मोदी को मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, किस तरह से चक्रा लेकिन उन्होंने बयान पलट दिया। उन्होंने कहा कि मोदी नाम के शख्स को कह रहे हैं जो वहाँ का लोकल गुंडा है, किस तरह से देखते हैं पूरे घटना को? कांग्रेस देश में और महाराष्ट्र में पूरा सफाया हो चुका है और कांग्रेस पूरी नामोनिशान कांग्रेस की मिट गई है और नाना पटेले का एक नया फंडा बोल के कांग्रेस की टीआरपी बढ़ाना बोल के एक जो पागल आदमी करता है वैसा नाना पटेले ने किया है। हमारे मराठी में एक तमाशा बोल के नौटंकी होती है, उसमें का एक पात्र है वैसा नाना पटेले एक पात्र है। और नाना पटेले ने जो भी किया है बाद में बयान बदल दिया, उसको पता है जब मैं महाराष्ट्र में घूमूंगा तो जगह जगह महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे घूमन नहीं देंगे और जूते मारने का काम करेंगे, इसलिए डर के बयान भी बदल दिया है और कांग्रेस का टीआरपी बढ़ाने का जो उसका गलत भ्रम था वो भी उसने मिटा दिया है खुद को बयान बदल के। लेकिन पहली बार नहीं है जब इस तरह की बात कही, इससे पहले कई सारी जो पार्टियां हैं वो जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल आया था पंजाब में तो कह रहे थे कि नौटंकी कर रहे हैं, जानबूझ के किया गया है। क्या है महाराष्ट्र में और देश में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है और महाराष्ट्र का जब वो अध्यक्ष बन चुका है तो महाराष्ट्र को कांग्रेस को ऊपर कैसे लाने का इस सोच में वो खुद नौटंकी कर रहा है, नए नए फंडे लाकर कांग्रेस की टीआरपी कैसे बढ़ेगी, इस भावनाओं से ये उद्गार उन्होंने चालू किए हैं। लेकिन उसका भ्रम है, उसको कभी बाद में मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा कांग्रेस को ही, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो उससे टीआरपी बढ़ेंगी नहीं, उसको कहीं ना कहीं पागल के दवाखाने में एडमिट कराया पड़ेगा।